यूपी में यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा से दिल्ली की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकरा गई। घटना से कार सवार दंपति समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। मिली जानकारी के मुताबिक जमुना पार क्षेत्र में माइलस्टोन 107 के पास कार अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई तो वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में बुरी तरीके से फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक जो था वो गंभीर रूप से घायल था। पुलिस के मुताबिक ये सभी कार सवार रायपुर छत्तीसगढ़ से सहारनपुर की ओर जा रहे थे। यमुना एक्सप्रेस वे के वृंदावन कट के पास माइलस्टोन 107 पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिस पर तीन व्यक्तियों के पर मौके पर मृत्यु हो गई है, एक घायल है। घायल को नज़दीकी हॉस्पिटल लक्ष्मी नगर में भास्कर अस्पताल में एडमिट कराया गया था जिसको जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। मृतकों को गाड़ी से निकाल लिया गया है, तीनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। मृतकों में एक महिला और दो पुरुष हैं। जानकारी की गई उनके पास से मिले नंबरों से तो मृतक अपनी पत्नी को रायपुर छत्तीसगढ़ से लेकर वापस आ रहे थे, रास्ते में जिनका एक्सीडेंट हुआ है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।